17th क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि यदि ए बी सी ये तीन टर्म यदि एपी में है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यूज कीजिए, मीन्स ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, तो 2b ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, यानी कि ए प्लस सी, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड कंडीशन गिवन है बी सी डी ये तीन टर्म जीपी में है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए, तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि सी स्क्वायर ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के, तो इक्वल्स टू बी डी, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। थर्ड कंडीशन गिवन है वन अपॉन सी, वन अपॉन डी, वन अपॉन ई ये तीन टर्म एपी में है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यूज कीजिए, तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, तो वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई, लेट्स से इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये तीन कंडीशन गिवन है और प्रूफ करना है कि ए सी ई ये तीन टर्म जीपी में होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज करें तो हमें प्रूफ करना होगा स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में ये लिख लिए, अब प्रूफ करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो बाय यूजिंग इक्वेशन टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू बी डी, इतना क्लियर ना। सी स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया, यहाँ बी है तो अगर हम इक्वेशन नंबर वन को यूज करें तो इस बी के प्लेस पे लिख सकते हैं ए प्लस सी अपॉन टू, तो इस बी के प्लेस पे आ गया ए प्लस सी अपॉन टू, इतना क्लियर, बचा ये डी। तो अब यहाँ पे इक्वेशन थ्री यूज कीजिए, तो यहाँ पे है टू अपॉन डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ई, तो यहाँ से टू अपॉन डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी एलसीएम, ऊपर आ गया वन इंटू ई प्लस वन इंटू सी, तो यहाँ से डी अपॉन टू अगर लिखे तो ये बन जाएगा सी अपॉन ई प्लस सी, और ये टू को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस डी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ई प्लस सी, इतना क्लियर। ये टू कैंसिल, यहाँ से बन गया सी स्क्वायर इंटू ई प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू सी, ये क्लियर ना। अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई, ये लिख सकते हैं, सी स्क्वायर ई कैंसिल, तो सी क्यू इज इक्वल्स टू बन गया ए सी ई, इस सी से सी क्यू सी स्क्वायर बचेगा यहाँ, तो यहाँ से मिल गया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हम कह सकते हैं कि ए सी ई आर इन जी पी, क्लियर। 18th क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि यदि ए बी सी ये तीनों टर्म यदि एपी में है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यूज कीजिए, तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि 2b ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, तो a प्लस सी, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट कंडीशन है ए एक्स बी ये तीन टर्म कह रहा है जीपी में है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए, तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के, यानी कि ए बी, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि बी वाई सी ये तीन टर्म जीपी में है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए, तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, तो वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी कि बी सी, लेट्स से इक्वेशन नंबर थ्री, इतना क्लियर ना। तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तीन टर्म एपी में होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यूज कीजिए, तो यहाँ हमें प्रूफ करना है ट्वाइस द मिडिल टर्म ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करना है, ये क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड इसको कंसीडर करें तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना क्लियर। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन टू, तो इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिख दीजिए ए बी, और वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम बी सी लिख सकते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री, तो इस वाई स्क्वायर के प्लेस पे आ गया बी सी, इतना क्लियर ना। अब इन दोनों टर्म से बी कॉमन, तो यहां पे आ गया ए प्लस सी। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो
ए प्लस सी इसके प्लेस पे टू बी लिख सकते हैं, तो इस ए प्लस सी इसके प्लेस पे लिख दीजिए टू बी, तो ये आ गया टू बी इंटू बी, टू बी स्क्वायर जो कि लेफ्ट हैंड साइड था, तो इक्वल्स टू एल एच एस। तो सिंस आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इन ए पी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि यदि ए बी सी ये तीनों टर्म यदि एपी में है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी यूज कीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि टू बी, ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के, तो ए प्लस सी। लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट कंडीशन है ए बी डी, ये तीन टर्म कह रहा है जीपी में है, तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए। तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के यानी कि ए डी। लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। इतना क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है ए ए माइनस बी डी माइनस सी, ये तीन टर्म जीपी में होंगे। मीन्स यहां हमें प्रूफ करना होगा, यहां प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए। तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के, तो ए इंटू डी माइनस सी। ये क्लियर। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ये कंसीडर करें तो ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब इसको हम देख सकते ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर। नाउ ए स्क्वायर एज इट इज, देन ये माइनस ए एज इट इज, और ये जो बचा टू बी, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कीजिए, तो टू बी के प्लेस पे हम ए प्लस सी लिख सकते हैं, तो इस टू बी के प्लेस पे आ गया ए प्लस सी। और देन यहां पे बी स्क्वायर, तो अगर हम इक्वेशन नंबर टू यूज करें तो बी स्क्वायर के प्लेस पे हम ए डी लिख सकते हैं, तो इस बी स्क्वायर के प्लेस पे आ गया ए डी। नाउ ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन माइनस ए सी प्लस ए डी। इतना क्लियर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल। अब इन दोनों टर्म से यदि हम ए कॉमन निकाल ले तो यहां से लिख सकते हैं डी, और यहां से आ जाएगा माइनस सी, ए इंटू डी माइनस सी, यही था राइट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू आर एच एस। तो हम कह सकते हैं कि ए ए माइनस बी और डी माइनस सी आर इन जी पी, और यही हमें प्रूफ करना था। 20th क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि यदि ए बी सी ये तीन टर्म यदि जीपी में है तो प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये इक्वल होगा बी प्लस ए अपॉन सी प्लस बी के। तो देखिए यहां पे ये तीनों टर्म कह रहा है जीपी में है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज कीजिए। तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म ए सी के। लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। ये क्लियर। अब ये तीन टर्म जीपी में है तो यहां पे हम एक अजम्पशन कर सकते हैं, अगर हम यहां पे बी के प्लेस पे ए आर मान ले एंड सी के प्लेस पे ए आर स्क्वायर मान ले, तो ए आर ए आर स्क्वायर ये तीन टर्म भी जीपी में होगा। इतना क्लियर। ना अब यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको कंसीडर करते हैं तो ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं ए सी बाई यूजिंग वन। इतना क्लियर। ना यहां पे बी सी प्लस सी ए, सी ए के प्लेस पे अगेन हम रिप्लेस कर सकते हैं बी स्क्वायर बाई यूजिंग वन, और देन प्लस ए बी। इतना क्लियर। ना अब ऊपर के इन तीनों टर्म से ए कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से आ गया ए, यहां से मिल गया बी और यहां से मिल गया सी, और नीचे के तीनों टर्म से बी कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से मिल गया सी, यहां से मिल गया बी और यहां से आ जाएगा ए, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए अपॉन बी, तो ए के प्लेस पे ए और बी, बी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए आर, ए और ए कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया वन अपॉन आर। अब यदि हम राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करें तो ये है बी प्लस ए अपॉन सी प्लस बी, तो बी इस बी के प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए ए आर, और ए के प्लेस पे ए, सी के प्लेस पे ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी के प्लेस पे ए आर। अब ऊपर से ये कॉमन, तो यहां से आ गया आर प्लस वन,
और नीचे दोनों टर्म से ए आर कॉमन, यहां से आ गया आर, देन प्लस वन, आर प्लस वन कैंसिल, ए और ए कैंसिल, ये भी आ गया वन अपॉन आर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये इक्वल होगा बी प्लस ए अपॉन सी प्लस बी के, और यही हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि यदि ए बी सी ये तीन जो है डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है जो कि जीपी में है, और एक कंडीशन गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे प्रूफ करना है ये कंडीशन तभी वैलिड है जब ये जो एक्स है ये या तो लेस देन माइनस वन हो या फिर ग्रेटर देन थ्री हो। ये क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों टर्म जीपी में है, तो यहाँ पे अगर हम बी के प्लेस पे ए आर और सी के प्लेस पे ए आर स्क्वायर मान ले, तो ए आर स्क्वायर ये तीनों टर्म जीपी में होंगे। अब इस कंडीशन को यूज कीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी दिया हुआ है, तो ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे ए आर और सी के प्लेस पे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बी के प्लेस पे ए आर, ये लिख सकते हैं। नाउ यहाँ भी ये है ए ए ए, हर टर्म से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से मिल गया वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आर। इतना क्लियर? नाउ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स आर प्लस वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। आर स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म से यदि आर कॉमन ले लिया जाए तो वन माइनस एक्स देन ये प्लस वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और ये आर मीन्स कॉमन रेशियो ये आया कैसे? बी और सी की वजह से। तो यहाँ पे ए बी सी जो है ये थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर कह रहा है, तो यहाँ पे भी आर जो है ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर होगा। सो आर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर रियल और डिस्टिंक्ट ये कब होगा? जब इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन जीरो होगा, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो बी स्क्वायर तो कोफिशियंट ऑफ आर माइनस फोर, ए तो कोफिशियंट ऑफ आर स्क्वायर वन, और सी कॉन्स्टेंट पार्ट वन दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और देन यहाँ से मिल गया माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। इतना क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स देन वन माइनस फोर माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कीजिए, तो ये है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म है माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, और देन ये माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों टर्म से x कॉमन तो x माइनस थ्री, इन दोनों टर्म से 1 कॉमन तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, अब इन दोनों टर्म से x माइनस थ्री कॉमन तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो कब होगा? या तो ये टर्म पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। प्लस इंटू प्लस प्लस ग्रेटर देन जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो केस वन, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इसका भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन थ्री आ गया, और यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। नाउ अब x जो है माइनस वन से बड़ा है और x थ्री से बड़ा है, तो यहां से हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन थ्री। अगर माइनस वन से बड़ा है थ्री से बड़ा है, इट मीन्स क्या हुआ? थ्री से बड़ा होना चाहिए x। अब अगर हम केस टू सेकेंड केस कंसीडर करें, तो अगर ये नेगेटिव है तो x माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो x प्लस वन लेस देन जीरो। ये क्लियर? तो यहां से सॉल्यूशन मिल गया x लेस देन थ्री, और यहां से x लेस देन माइनस वन। तो अब यहां कह रहे हैं x जो है थ्री से छोटा हो, और यहां कह रहे हैं x जो है माइनस वन से भी छोटा हो, तो थ्री से भी छोटा हो और माइनस वन से भी छोटा हो, तो हम कह सकते हैं x जो है माइनस वन से छोटा होगा।
और यही चीज हमें प्रूफ करना था। सो एक्स लेस देन माइनस वन एंड एक्स ग्रेटर देन थ्री, ये कंडीशन आ गया। 22nd क्वेश्चन है, यहां कह रहा है किसी जीपी का फोर्थ टर्म यदि एक्स है, 10th टर्म यदि वाई है और 16th टर्म यदि जेड है, तो प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड ये तीनों टर्म जीपी में होंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3, और ये इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। 10th टर्म ऑफ द जीपी ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 तो 9, और ये इक्वल टू वाई दिया हुआ है। 16th टर्म तो ए इंटू आर की पावर 16 माइनस 1 तो 15, ये इक्वल टू जेड दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म जीपी में होगा। सो टू प्रूफ, यहां पे अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यूज करें तो ये तीनों टर्म जीपी में होगा। कब? तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, तो वाई स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के, तो एक्स जेड, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ये कंसीडर करें तो ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू आर की पावर 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 9 इंटू 2 18। अब राइट हैंड साइड ये कंसीडर कीजिए तो ये है एक्स इंटू जेड, एक्स एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए इंटू आर क्यूब, और फिर इंटू जेड तो जेड के प्लेस पे ए इंटू आर की पावर 15, ये क्लियर। ए इंटू ए स्क्वायर देन आर क्यूब इंटू आर की पावर 15 तो आर की पावर 18। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये आ गया, तो सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी बनेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यहाँ कह रहा है कि यदि पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म किसी एपी एंड जीपी दोनों ही का यदि स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली है, तो प्रूफ करना है कि ए की पावर बी माइनस सी इंटू बी की पावर सी माइनस ए इंटू सी की पावर ए माइनस बी इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ एपी और जीपी के टर्म के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर ले कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी देन फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी। तो देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ये अगर मान ले कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी ये अगर मान ले कैपिटल डी, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी ये अगर मान ले कैपिटल ए डैश, देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी ये अगर मान ले कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली, ये क्लियर। तो पीएथ टर्म ऑफ द एपी ये क्या बनेगा, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, और पीएच टर्म एपी का स्मॉल ए दिया हुआ है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ये क्लियर। क्यूएच टर्म ऑफ द एपी तो कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू स्मॉल बी, ये क्लियर। आरएच टर्म ऑफ द एपी तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल्स टू स्मॉल सी है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, ये क्लियर। अब पीएच टर्म ऑफ द जीपी ये क्या बनेगा, तो फर्स्ट टर्म ए डैश है देन कॉमन रेशियो आर है, तो आर की पावर पी माइनस 1 ये इक्वल टू स्मॉल ए, लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। नाउ क्यूएच टर्म ऑफ द जीपी तो ये हम लिख सकते हैं ए डैश आर की पावर क्यू माइनस 1, और ये इक्वल टू स्मॉल बी दिया हुआ है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 5। देन आरएच टर्म ऑफ द जीपी तो ए डैश आर की पावर आर माइनस 1, ये इक्वल टू स्मॉल सी दिया हुआ है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 6, इतना क्लियर। Now, अब यहाँ पे पावर b माइनस सी है, यहाँ पे पावर c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो यदि हम b माइनस सी ये कैलकुलेट करें तो यहाँ b और c है, तो हमें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से b माइनस सी ये हम लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी देन माइनस a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, इतना क्लियर। तो ये बन जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी देन माइनस ए देन माइनस आर डी देन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी प्लस डी, इतना क्लियर। तो
यहां से बी माइनस सी ये आ गया, ए माइनस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्यू डी माइनस आर डी, ये क्लियर। तो सिमिलरली सी माइनस ए ये क्या बन जाएगा, तो सी माइनस ए ये बन जाएगा आर डी माइनस पी डी, ये क्लियर, आर डी माइनस पी डी। एंड ए माइनस बी, ये ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी, तो पी डी माइनस क्यू डी, इतना क्लियर। अब यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको कंसीडर करें, तो ए की पावर बी माइनस सी इंटू बी की पावर सी माइनस ए इंटू सी की पावर ए माइनस बी है। तो अब इक्वेशन 4, 5, 6 अगर हम यूज करें, तो ए बी सी के प्लेस पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्मॉल ए इसके प्लेस पे ए डैश आर की पावर पी माइनस वन, और इसकी पावर बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी के प्लेस पे क्यू डी माइनस आर डी, इतना क्लियर। स्मॉल बी, तो ए डैश आर की पावर क्यू माइनस वन, और इसकी पावर सी माइनस ए, तो आर डी माइनस पी डी, देन इंटू सी, तो ए डैश आर की पावर आर माइनस वन, और इसकी पावर ए माइनस बी, तो पी डी माइनस क्यू डी, ये बनेगा। नाउ तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश टू दी पावर, यहां से आ गया क्यू डी माइनस आर डी, देन प्लस आर डी माइनस पी डी, देन प्लस पी डी माइनस क्यू डी, इतना क्लियर। और इंटू आर टू दी पावर, यहां पे हम लिख सकते हैं पी माइनस वन इंटू दिस, तो पी का इंटू कीजिए, तो पी क्यू डी, देन माइनस पी आर डी, माइनस वन का इंटू करने पे माइनस क्यू डी प्लस आर डी, देन यहां से मिल जाएगा क्यू माइनस वन इंटू दिस, तो ये आ गया क्यू आर डी माइनस क्यू पी डी, देन माइनस वन का इंटू कीजिए, तो माइनस आर डी और प्लस पी डी, यहां से आर माइनस वन इंटू दिस प्लस आर पी डी माइनस आर क्यू डी, माइनस वन का इंटू कीजिए, तो माइनस पी डी और प्लस क्यू डी, ये बनेगा। नाउ माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी कैंसिल, माइनस पी डी प्लस पी डी कैंसिल, माइनस आर क्यू डी माइनस आर क्यू डी प्लस आर क्यू डी कैंसिल, प्लस आर पी डी और माइनस आर पी डी, ये कैंसिल, पी क्यू डी और माइनस पी क्यू डी, ये कैंसिल, आर डी माइनस आर डी, ये भी कैंसिल, सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्यू डी माइनस क्यू डी कैंसिल, माइनस आर डी प्लस आर डी कैंसिल, माइनस पी डी प्लस पी डी कैंसिल। तो यहाँ पे ये बन गया ए डैश की पावर जीरो, और यहाँ पे आर की पावर जीरो, ए डैश की पावर जीरो इज वन, आर की पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन इज वन, तो इक्वल्स टू आर एच एस। तो हम कह सकते हैं सो ए की पावर बी माइनस सी इंटू बी की पावर सी माइनस ए इंटू सी की पावर ए माइनस बी इक्वल्स टू वन होगा, क्लियर।